आपको पता है ग्रीन टी और ब्लैक टी सेम बुशेस में उगते हैं। हाय गाइस, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ग्रीन टी और ब्लैक टी सेम बुशेस में उगते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है दोनों के फर्मेंटेशन में। कितने दिनों तक हम फर्मेंटेशन करते हैं इसी पे डिपेंड करता है कि ग्रीन टी निकलेगा उससे या ब्लैक टी निकलने वाला है। तो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एक पॉलीफेनॉल नाम के स्पेशल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम यूज किया जाता है, उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेसिस। तो अगर हम दो दिनों तक ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको ग्रीन टी मिलता है, या महीनों तक जब ऑक्सीडाइज करते हैं हफ्तों तक तो हमको ब्लैक टी मिलता है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट। हाय एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। क्या आपने कभी प्रोटोन को टेस्ट किया है? बिल्कुल किया होगा प्रोटोन को टेस्ट। प्रोटोन का जो टेस्ट होता है वो सौर होता है, खट्टा। आपने खट्टी चीजें तो खाई ही होंगी, है ना, सौर चीजें। उसमें सौर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एसिड होता है, और एसिड में क्या होता है? H+ आयंस। हाँ बिल्कुल, और H+ आयंस यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटोन ही है। तो सौर टेस्ट किसका होता है? प्रोटोन का होता है। यानी कि जितना ज्यादा H+ आयन किसी सब्सटेंस में होगा या जितना ज्यादा प्रोटॉन्स किसी सब्सटेंस में होंगे वो उतना ही ज्यादा सौर फील कराएगा, सौर टेस्ट देगा। तो प्रोटोन का टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है, याद रखना है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करें। क्या आपको पता है सिर्फ कॉपर और गोल्ड यही दो ऐसे मेटल हैं जो येलोइश दिखते हैं, बाकी सारे मेटल सिल्वरी होते हैं, मतलब सिल्वर कलर की तरह होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे मेटल्स जो हैं सनलाइट के सारे कलर्स को इक्वली रिफ्लेक्ट करते हैं। बस एक कॉपर ही एक और गोल्ड ही ऐसे मेटल्स हैं जो उस सनलाइट के कलर में वायलेट और ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा वो येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि वो दोनों येलो दिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के, तो आप बोलिएगा 3, कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 10, पर मैं अगर कहूं कि 15 या उससे भी ज्यादा फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं तो नहीं हो रहा है विश्वास, पर ये सच है। मैं हूं विश्वजीत सिंह स्नैपसॉल्व से, और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। देर आर 15 और मोर देन 15 स्टेट्स ऑफ मैटर, 15 से भी ज्यादा फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के, और सारे आपको अब डिस्प्ले हो रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जिनके पास भी ये जानकारी नहीं है प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं।